दिस इज़ अ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग. आज थोड़ा सा मौसम जो है वो थोड़ा सा भारी लग रहा है, मतलब अजीब सी उमस आ रही है, थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है. सुबह के सिर्फ बज रहे हैं 7 और अभी मौसम थोड़ा सा आप देख सकते हो कि मतलब अजीब सी बदली टाइप है और बादल घेरे हुए, सुबह पानी बरसा हुआ है. तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बढ़िया होंगे. आज जो है वो एक मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाया जाए जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेरे जो जूनियर हैं उनके बारे में. तो आप समझ ही गए होंगे, तो वो है डिप्लोमा होल्डरों के लिए, पॉलिटेक्निक वालों का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें होंगी आज. तो देखते हैं, लगे रहिए, अंत तक वीडियो देखिए. प्राधिकरण से फैज़ाबाद प्राधिकरण जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है. प्राधिकरण से निकल के अब हम आए हुए हैं अयोध्या ही में, लेकिन फैज़ाबाद प्राधिकरण में. सो ये चीज़ें हैं और हम आए हुए हैं अभी अलका टावर, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये अलका टावर है. जो फैज़ाबाद के हैं उनको पता है कि अलका टावर कहाँ पे है. तो हम आए हुए हैं एक कंप्यूटर को रिपेयर कराने, तो वही हो रहा है काम यहाँ पे. मैंने सोचा कुछ बता दिया जाए, कुछ काम कर लिया जाए. तो जो स्टूडेंट हैं, मतलब कि तो बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल पे कमेंट किया कि भैया आप बताइए कि जीपीएल में कितना एडमिशन, कितना रैंक पे एडमिशन होता है, क्या क्या सारी सुविधाएं हैं. तो उन सब की एक एक चीज़ें बात करें, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट किए थे. तो कहने का मतलब कि ये है कि अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, जो कि 25 तारीख से ही एडमिट कार्ड शायद निकलने वाला है, इसी बात अगर आपको अच्छे कॉलेज चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपको मिल पाएगा. 100 की सीधी एक बात. दूसरी बात कि अगर आपको ट्रेड अच्छा चाहिए, क्योंकि आप पहली बात तो आप कौन से ट्रेड में आप भर रहे हो, मतलब आपका ए ग्रुप है कि के ग्रुप है, स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग के लिए. तो अगर आप ए ग्रुप से भर रहे हो तो जाहिर सी बात है कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लड़के इस बार ए ग्रुप में ही फॉर्म डालेंगे और कंपटीशन ज़्यादा होगा. तो अगर आपको जीपीएल चाहिए तो जीपीएल आपको लेने के लिए कम से कम 250 नंबर, मतलब 250 प्लस नंबर आपको चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छी रैंक ला सको. और जीपीएल आपको जाहिर सी बात है, क्योंकि जीपीएल वैसे भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ नंबर 1 कॉलेज है लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट, तो जाहिर सी बात है कि हाँ उसमें आपको अच्छे नंबर तो चाहिए. फिर बात आती है कि के ग्रुप से, अगर आप के ग्रुप से कोई भी, अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल या कोई भी आप सॉरी हाँ अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या सिविल चाहे जो भी आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहली बात तो बैकग्राउंड आपका क्या है. अगर आपने आईटीआई की है, 60 और 40 का ही रेशियो होता है, कि 60 और 40 का रेशियो होता है, जिसमें आपको 60 नंबर के आपको मैथ और 60 नंबर के आपके टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर के आपके साइंस के क्वेश्चन आते हैं. तो वो तो आप समझ जाओगे कि कैसे क्या है. तो वो चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी पड़ेगी. अगर आप बढ़िया तरीके से अपना टेक्निकल तैयार कर लेते हो तो आप बढ़िया तरीके से निकाल ले जाओगे के ग्रुप में. तो के ग्रुप में कम से कम आपको 200 नंबर बढ़िया जीपीएल चाहिए, तो वरना पूरे प्रदेश में तो बहुत सारे कॉलेज हैं, जो कि आपने देखा है कि आपको कहीं कॉलेज मिल जाएगा. कि कॉलेज की बात और कॉलेज की फ़ीस, उसके बारे में आपका अगर आपको जानना है, तो फ़ीस भी आपकी ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में तो ज़्यादा फ़ीस नहीं लगती, क्योंकि उसमें सिर्फ मेरे जो लगे थे वो 10,100 रुपए लगे थे, कुल मिला के 12,000 रुपए आपके खर्चे हो जाएंगे. तो यहाँ तक आपका एडमिशन हो जाएगा. और रही बात हॉस्टल की, तो वो हॉस्टल आपका सिर्फ कॉलेज डिसाइड करेगा. आप कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाते हो तो कॉलेज में एडमिशन लेने के वक्त आपसे फॉर्म फिलअप कराया जाता है, आप ध्यान रख के फॉर्म फिलअप कर देना, बाकी कॉलेज की मर्ज़ी, कॉलेज देना चाहेगा तो देगा, क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें रखी नहीं पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है. स्पेशली पिछली बार जो हुआ था वो 2020 में जब मैंने एडमिशन लिया था, तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर वालों को हॉस्टल मिला था, बाकियों को कोई हॉस्टल नहीं मिला था. तो ये सारी चीज़ें हो गई हॉस्टल की और फीस की और कॉलेज की बात. अब रही बात कि मैं कहाँ से इस चीज़ को वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं कहीं घर नहीं हूँ. मैंने बताया जैसे कि अभी अलका टावर पे ही आया हूँ, क्योंकि अलका टावर पे ही मेरा कंप्यूटर बनना है, तो मैंने कंप्यूटर के लिए आया हूँ. तो अभी जो है वो अलका टावर है, और ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये पूरा चीज़ यहाँ से ये पूरी चीज़ देख सकते हो. मतलब जाहिर सी बात है मुझे ये सब याद रहेगा कि हाँ यार मैंने कहीं से वीडियो बनाई थी अपने लोगों के लिए कि हाँ यार मैं मतलब कि एक जो कि कॉलेज का एक काम है जो कि मैंने बनाया, और
अच्छा है, अच्छा लग रहा है। ये सब देख सकते हो आप, ये पूरी मैं दिखाता हूँ। ये है अलका टावर का मतलब टॉप व्यू पे हम हैं, और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है इस वजह से ये खुला हुआ, वरना वहाँ पे वो देख सकते हो, ये है हॉस्पिटल। काम ख़त्म होने के बाद इतनी लेट हो गए कि अब हम घर पे आ गए, और जाहिर सी बात है भीगे हुए हैं। तो आई होप कि बस वीडियो को अंत यहाँ पे ही करते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल का बटन दबा दें। थैंक यू सो मच। ब्लॉग में कल।